उसके माथे पर एक मणि थी जो उसकी सांपों, दैत्यों व देवताओं के भय से रक्षा करती थी। शिव का भक्त है वो, ये सत्य है, वो आज भी है। सन 1192 में मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज की हार के बाद पृथ्वीराज जंगलों में एक बूढ़े आदमी से मिला जिसके माथे पर एक गहरा घाव था। चिकित्सा पद्धति जानने के कारण पृथ्वीराज ने उसका उपचार करने की इच्छा जताई। बूढ़े आदमी की अनुमति पर पृथ्वीराज ने 7 दिनों तक उसका उपचार किया, परंतु फिर भी उसका घाव वैसे का वैसा ही रहा। पृथ्वीराज हैरान था और उसे सत्य का अनुमान होने लगा था। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या वह अश्वत्थामा है, क्योंकि एक मणि के माथे से निकाले जाने का घाव भी ठीक नहीं हो सकता। इस पर बूढ़े आदमी ने कहा कि वह अश्वत्थामा है और वह चला गया। वासुदेवानंद सरस्वती एक संत थे और दत्तात्रेय के भक्त थे, जो शूलपनेश्वर के घने जंगलों में रास्ता भटक गए थे। 6-7 महीने चिलवाड़ा धार जिला ठहरने के बाद वे अपने स्थान पर वापस जाने के लिए निकले थे, परंतु जंगल में रास्ता भटक गए। इतने घने जंगल में एक अजीब आदमी उनके पास आया और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता खोजने में उनकी मदद करने की पेशकश की। स्वामी जी एक सच्चे योगी थे, इसीलिए उनके मन में कोई संदेह नहीं था और न ही डर था। स्वामी ने बड़ी उत्सुकता से उसकी शारीरिक विशेषताओं को देखा, जो बहुत ही अजीब थी। जब वे लगभग जंगल के अंत तक पहुंच गए तो उस अजीब आदमी ने स्वामी से कहा कि हम शहर के करीब हैं और यहाँ से मैं आगे आपके साथ नहीं जा सकता, यह अधिकतम दूरी है जहाँ तक मैं आ सकता था। स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हारी चाल व्यवहार और शरीर को देखा है, किसी भी तरह मुझे उनमें से मनुष्य दिखाई नहीं देता। कौन हो तुम? क्या तुम कोई भूत हो? क्या तुम एक यक्ष हो? अपनी असली पहचान प्रकट करो। उस आदमी ने जवाब दिया, आप सही हैं, मुझ में कुछ भी सामान्य नहीं है, क्योंकि मैं इस युग से संबंध नहीं रखता, मैं द्वापर युग से संबंध रखता हूँ, मैं अश्वत्थामा हूँ। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाविकस्तरे घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमुखबालिका डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयुच्चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। पंजाब के लुधियाना में एक बहुत मशहूर वैद्य थे, जो दाता दयाल के शिष्य थे और कई घंटे ध्यान में बैठा करते थे। साल 1969 की गर्मियों का मौसम था। दोपहर में लगभग सभी लोगों की दुकानें बंद हो चुकी थी और वे भी अपनी दुकान को बंद करने वाले ही थे कि तभी उनके पास एक अजीब सा आदमी आ गया और उसने वैद्य से बड़े अजीबोगरीब तरीके से हिंदी व पंजाबी में ये कहा।
इस पर वैद्य ने उसकी समस्या के बारे में पूछा और तभी उस आदमी ने अपनी पगड़ी उतारी। उसके माथे पर एक बहुत बड़ा घाव था जिसे देखकर वैद्य थोड़ा घबरा गया। वैद्य ने इससे पहले कभी ऐसा घाव नहीं देखा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने उस आदमी का दिमाग एक तरफ कर दिया हो, लेकिन त्वचा बिल्कुल कठोर थी। वैद्य थोड़ा बेचैन था और उसने घाव को अच्छे से देखने के लिए कुछ समय मांगा। इस पर बूढ़े आदमी ने फिर कहा, इस पर वैद्य ने कहा कि शायद मैं जानता हूँ आप कौन हैं, मगर पहले मुझे मेरा चिकित्सा का सामान बाहर निकालने दें। जब वैद्य अलमारी से अपना सामान निकाल रहा था, वह आदमी चला गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। उसके जाने के बाद भी हमेशा वैद्य यही कहता था कि उसकी आंखें मुझे आज भी डराती हैं। उसकी नीली आंखें बहुत ही तीखी थी, मानो कोई उनके जरिए उसके दिमाग में प्रवेश कर जाए। अगली वीडियो में आपको कुछ और सच्ची घटनाओं के बारे में पता चलेगा। तब तक के लिए करिए थोड़ा इंतज़ार, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।